कोरोना के मरीजों में डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल करें। जैसा कि आपको सबको पता है, ये अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ की वजह से कोरोना का जो प्रोग्नोसिस है वो पुअर हो जाता है, रिकवरी रेट पुअर हो जाती है। और जैसा कि अभी बहुत तेज़ी के साथ एक नया केस और जुड़ता जा रहा है कोरोना के साथ, म्यूकोर माइकोसिस। तो म्यूकोर माइकोसिस के अंदर क्या होता है कि कोरोना की अंदर अनकंट्रोल्ड शुगर की वजह से मरीजों की आंखों की रोशनी जा रही है और उनकी डेथ भी म्यूकोर माइकोसिस की वजह से हो रहा है। म्यूकोर माइकोसिस डायबिटीज़ के पेशेंट में होने वाला एक फंगस रोग है जो पहले बहुत अनकॉमन था, लेकिन कोरोना के अंदर ये बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और काफ़ी लोग अपनी आंखें खो चुके हैं। इसलिए डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो डायबिटीज़ का जो ट्रीटमेंट वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और डायबिटीज़ को थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। अब कोरोना के मरीजों के अंदर शुगर लेवल क्यों बढ़ रहे हैं, इसका रीज़न ये है कि कोरोना के पेशेंट्स के अंदर हमें ट्रीटमेंट में स्टेरॉयड देना पड़ रहा है। स्टेरॉयड देने की वजह से शुगर लेवल जो है वो तेज़ी के साथ बढ़ने लगते हैं। मरीजों के जो शुगर है 300, 400, 500, 600 तक भी जा रहा है। रूटीन वे में हम कोरोना के पेशेंट्स में स्टेरॉयड्स अवॉइड करते हैं, पर क्योंकि जब स्टेरॉयड के बिना कंट्रोल नहीं आ रहा है कोविड का ट्रीटमेंट, तो हमें स्टेरॉयड ऐड करना ही पड़ेगा। तो यदि आपका निमोनिया बढ़ रहा है कोरोना की वजह से, सीआरपी लेवल्स बढ़ रहे हैं, कफ बढ़ रहा है, बलगम ज़्यादा है, तो आपको स्टेरॉयड देना पड़ेगा। स्टेरॉयड ज़रूरी है आपकी रिकवरी के लिए। अब स्टेरॉयड कौन कौन से अभी अभी आप देख रहे हैं कि प्रिस्क्रिप्शंस में डॉक्टर्स के आ रहे हैं, और सारे जितने भी डॉक्टर्स हैं बहुत बिजी हैं कोरोना के पेशेंट्स को सही करने में। तो अभी जो स्टेरॉयड वो जो मैक्सिमम यूज़ आ रहा है वो डेक्सामिथेसोन, मिथाइल प्रिडनीसलोन, डेफ्लाजाकोट, प्रिडनीसलोन, तो मोस्टली पेशेंट्स में ये ही स्टेरॉयड लिखे जा रहे हैं। इसकी वजह से, स्टेरॉयड की वजह से, एक्सरसाइज नहीं होने की वजह से, कोविड का जो स्ट्रेस है उसकी वजह से, होम आइसोलेशन की वजह से, प्लस बहुत सारी जो दवाइयाँ चल रही है उनके वजह से हमारे शुगर लेवल तेज़ी के साथ बढ़ने लग रहे हैं। अब इसको हम कैसे मैनेज करें, ये एक थोड़ा सा एक टफ चीज़ है जिसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखना इसलिए पड़ेगा, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि अभी डॉक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, या ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है, या खुद कोविड पेशेंट होने की वजह से आइसोलेशन में है। तो पहला, जो कि नॉन डायबिटिक पेशेंट है और उनको स्टेरॉयड चल रहा है, या प्री डायबिटिक पेशेंट है उनको स्टेरॉयड चल रहा है और उसकी वजह से उनके शुगर लेवल हाई है। अब यदि आपका शुगर 180, 200 खाना खाने के बाद आ रहा है, तो आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? आप मैनेज करेंगे लाइफ स्टाइल से, कार्बोहाइड्रेट को कम करेंगे, प्रोटीन डाइट को बढ़ाएंगे, अपने रूम में जहाँ पर आप आइसोलेटेड हैं वहाँ कुछ एक्सरसाइजेज करेंगे, और इससे आप थोड़ा सा इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अब सपोज़ आप प्री डायबिटीज़ हैं और आपका शुगर लेवल अब कंट्रोल नहीं आ रहा, 200 से 250 से ज़्यादा जा रही है, तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आपको एक गोली मेटफॉर्मिन, जिसको जो हर जगह आसानी से अवेलेबल है, आपको ऐड करना है। गूगल करेंगे मेटफॉर्मिन के 50 ब्रांड मिल जाएंगे। तो मेटफॉर्मिन प्लस DPP-4 इनहिबिटर्स आप लें और उसको एक सुबह और एक शाम को खाना खाने से पहले ऐड कर लें। अब आपका अभी भी यदि शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? तो इसके बाद आपको एक मॉलिक्यूल आता है जिसको हम SGLT2 इनहिबिटर्स बोलते हैं। तो SGLT2 इनहिबिटर ऐड करेंगे। जो SGLT2 इनहिबिटर है इसके अंदर तीन चार ब्रांड्स अवेलेबल है, तीन चार मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, कानाग्लिफ्लोजन, एम्पाग्लिफ्लोजन, डापाग्लिफ्लोजन। अब कानाग्लिफ्लोजन के जो मेन ब्रांड हर जगह अवेलेबल है, पूरे देश के अंदर अवेलेबल है, इन्वोकाना, सुलिसेंट। एम्पाग्लिफ्लोजन का जो ब्रांड हर जगह मिल जाता है, ग्लिप्टुलियो, जार्डियांस। डापाग्लिफ्लोजन के जो मेन ब्रांड्स हर जगह अवेलेबल है, फोर्सिगा, डापामेक, डामिटा। गूगल करें, जो भी आपके आसपास के केमिस्ट के पास अवेलेबल हैं उसको आप लें। अपने जो डॉक्टर जो आपका डायबिटीज़ का इलाज करते हैं उनसे इस मॉलिक्यूल के बारे में पूछें कि सर इसको ऐड कर लें क्या, फ़ोन पे ही पूछ लें। अब यदि इससे आपका शुगर लेवल कंट्रोल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है,
यदि नहीं होता है तो हम आगे आगे की व्यू रचना आपको बताएंगे कि यदि आपको डापाग्लिफ्लोजन या SGLT2 इनहिबिटर लेने के बाद भी शुगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो क्या करें। पर एक चीज़ का ध्यान रखें कि SGLT2 इनहिबिटर्स जो होते हैं इनका एक साइड इफ़ेक्ट भी होता है। ये बहुत अच्छे मॉलिक्यूल है और इनकी वजह से शुगर लेवल तेज़ी के साथ कम होने लगता है। इवन नॉन डायबिटिक पेशेंट में भी हम ये दे सकते हैं, लेकिन ये पेशाब के रास्ते से शुगर को बाहर निकालते हैं। तो थोड़ा सा आपको अपने यूरिनरी हाइजीन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। यूरिन करते समय अपने ऑर्गन को बार बार धोते रहें तो यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होंगे। अब यदि आपका अब भी शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा है तो आपको अब टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपने ट्रीटमेंट में इंसुलिन ऐड करना है। तो अब कौन सा इंसुलिन ऐड करना है? इंसुलिन कई तरह के होते हैं, हम उन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आप एक जनरल बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यदि आपका शुगर 200, 250, 300 अभी भी आ रहा है तो जो मार्केट में अवेलेबल बेजल इंसुलिन है या ग्लार्जिन इंसुलिन है जिसको हम बोलते हैं वो ऐड करें। आप गूगल करें तो बेजल और ग्लार्जिन इंसुलिन के ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे हर जगह। लेंटस, बेजालोग, बासुजिन कई तरह के ब्रांड्स अवेलेबल है। जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके केमिस्ट के पास अवेलेबल हो, सब एक जैसे हैं। इनको आप अपने इसको स्टार्ट करें। आपका शुगर यदि 200 से 250 के बीच में रह रहा है तो आप ग्लार्जिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ग्लार्जिन का कितना आप डोज लेंगे? रात को सोते समय 8 से 10 यूनिट लगाएं और फास्टिंग चेक करें। यदि आपका फास्टिंग अब भी कंट्रोल नहीं आ रहा है तो रोज़ एक एक या दो दो यूनिट रोज़ रात को बढ़ाते जाएं। जब तक बढ़ाएं तब तक कि आपका फास्टिंग कंट्रोल नहीं आए। अब सपोज कीजिए कि आपका 25 यूनिट पे फास्टिंग कंट्रोल आ गया तो ठीक है। अब ये जो ग्लार्जिन होता है ये 12 से 20 घंटे तक काम करता है। तो जो भी आपके पास हो उसको आप चालू करें और चालू करने के बाद देखें कि आपका शुगर कंट्रोल है या नहीं। यदि शुगर कंट्रोल आ जाता है तो वेल एंड गुड, यदि नहीं आ रहा है तो अब आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करें। इसके साथ एक मील रिलेटेड इंसुलिन भी ऐड करें जिनको हम शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन बोलते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल है अभी? नोवा रैपिड हर जगह मिल जाता है, फियास्प हर जगह मिल जाता है, इंसुलिन लिस्प्रो हर जगह मिल जाता है। तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो गूगल कर लें एक बार कैसे लगाना है, इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी आपके केमिस्ट के पास अवेलेबल हो वो आप ऐड करें। इनको कैसे लेना है? इनको आपको खाना खाने से पहले लेना होता है। तो आपको अपने जो भी मेजर मील हैं, जो कि आपका ब्रेकफास्ट हो गया, आपका लंच हो गया, आपका डिनर हो गया, उससे पहले आप ऐड करें। कितना ऐड करेंगे? स्टार्ट करें कम यूनिट से। मतलब आपने ब्रेकफास्ट से पहले 2-3 यूनिट लिया, लंच से पहले 3 यूनिट लिया, डिनर से पहले 2 यूनिट लिया और हर 2 घंटे बाद अपना शुगर चेक किया। यदि आपका शुगर 160-170 आ रहा है तो इसका मतलब आप 3 यूनिट पे ही कंट्रोल हो गए। यदि आपका शुगर 220-250-300 आ रहा है तो आप एक एक या दो दो यूनिट बढ़ा दें। जब आप एक एक या दो दो यूनिट बढ़ाएंगे तो आपका शुगर लेवल कंट्रोल होने लगेगा और रात को जो आप ग्लार्जिन ले रहे हैं, लेंटस या जो भी, उसको आप कंटिन्यू करें। तो हर मील से पहले आपको ये इंसुलिन लगाना है। शुगर यदि आपका 140-150 आ रहा है तो उस डोज को आप मेंटेन रखें। यदि आपका शुगर 250-300-400 आ रहा है तो एक एक दो दो यूनिट बढ़ाएं। मेरे जितने भी मरीज हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं जो कोरोना के पेशेंट हैं, बहुत हल्की डोजेस के अंदर अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं और बड़ी तेज़ी के साथ उनकी रिकवरी होने लगती है। तो जिस भी शहर में आप रहते हैं, जिस भी सिटी में रहते हैं, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, फ़ोन पे कंसल्ट कर लें और इंसुलिन ऐड करें। घबराएं नहीं कि उसने इंसुलिन बोल दिया तो आपको डर लगने लग गया कि नहीं ये लाइफ लॉन्ग चालू हो जाएगा। नहीं, ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलेगा। जैसे ही आपके स्टेरॉइड बंद होंगे, आपकी कोरोना की दवाइयाँ बंद होंगी, आपकी RT-PCR नेगेटिव आ जाएगी तो आपका जो शुगर लेवल जो तेज़ी के साथ बढ़ा है वो तेज़ी के साथ धीरे धीरे कम भी होने लग जाएगा और आपका इंसुलिन विड्रॉ हो जाएगा। ये परमानेंट नहीं है, तो आप घबराएं नहीं। यदि आप चाहते हैं कि आपका कोविड का रिकवरी फास्ट हो, जल्दी हो, तो आप इसको इंसुलिन को ऐड करें। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है कोविड के पेशेंट्स में, नहीं तो रिकवरी बहुत स्लो होती है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको डायबिटीज़ से रिलेटेड या इंसुलिन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे लिखे हुए इन नंबरों पर आप
कॉल कर लें, मैं या मेरी टीम आपको मदद करेगी और बेटर वे में एक्सप्लेन करने की और बेटर वे में आपको कंट्रोल करने की। मेरा ये मेरी बातें ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।